सोशल मीडिया पर सामने आकर इस एक्ट्रेस ने सभी से लिटरली दुआएं करने के लिए कहा है अपनी मॉम के लिए। कौन सी एक्ट्रेस है जो सोशल मीडिया पर सभी को कह रही है कि प्लीज मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआएं करो। चलिए आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूँ कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पिछले 2 से 3 साल लॉकडाउन हो, पैंडमिक हो, कोविड, ओमिक्रॉन, इन सारी चीज़ों ने मिलकर कई सारे लोगों को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है कि ज़रा से भी किसी के अनवेल होने की खबर आती है तो हर इंसान जो है वो डर जाता है। हर इंसान ये सोचता है, ये फील करता है कि गलती से भी हम किसी अपने या किसी चाहने वाले को खो ना दें। पिछले 2 सालों में हमने इंडस्ट्री से कई सारे लोगों को खोया है, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को खोया है पिछले 2 से 2.5 साल में, जिनके खो जाने का सदमा अब तक कहीं ना कहीं उनके फैंस को लग रहा है। ऐसे में कई सेलिब्रिटीज ने भी अपने करीबियों को खोया है और इसीलिए ये डर जो है ये सताता रहता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि खोने की खबर तो नहीं, लेकिन हाँ, ठीक ना होने की खबर जरूर आई है। इस वक्त जरीन खान, जी हाँ, जिनको आपने कई सारी फिल्म्स में देखा है पंजाबी इंडस्ट्री में, इस वक्त वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर भी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। इस वक्त जरीन खान ने सोशल मीडिया पर एक अल्टीमेटम, एक पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाथ जोड़ते हुए उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। वो लिखती हैं, माय मॉम इज अनवेल अगेन एंड एडमिटेड इन ICU इन द हॉस्पिटल, प्लीज प्रे फॉर हर। देखिए, जितने ज़्यादा लोग कभी कभी एक साथ बैठकर जब दुआएं करते हैं तो वो दुआएं जल्द कबूल होती हैं, और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो कई बार दवाई तो काम आती है लेकिन दुआ भी काम आती है, और ऐसे वक्त पर दुआएं भेजते रहनी चाहिए। तो हम अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कह सकते हैं दैट मे हर मदर गेट वेल सून, जितना जल्दी हो सके उनकी मॉम ठीक हो जाए। और उसी के साथ साथ देखिए, जरीन ने बहुत ही इमोशनल होकर ये पोस्ट जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है, और हाथ जोड़ने का इमोटिकॉन भी उन्होंने पोस्ट किया है। वेल, आप लोग को क्या कुछ है कहना, और जरीन की मॉम के लिए जो भी आप इमोशनली मैसेज जो है लिखना चाहें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं।